ये देख रहे हो लैंडस्लाइड में। ये हाल हो रखा है लैंडस्लाइड में गाड़ियों का, पूरी गाड़ी की गाड़ी पिचक गई, ऐसा हाल है गाड़ी। पहाड़ जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक भी हैं। अब हम जो है गौरीकुंड से सोनप्रयाग आ चुके हैं जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी। अब सोनप्रयाग से जो है हम यहाँ से, अब वैसे शाम के 6 बज रहे हैं तो रात की सवारी करते करते रात के अब निकलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ यहाँ से कम से कम 6-7 घंटे का, 7 घंटे से ऊपर का ही रास्ता है वैसे। मैं जो है अब बद्रीनाथ पहुंच चुका हूं और यहां से बद्रीनाथ मंदिर जो है कुछ 400-500 मीटर दूर है। और कल रात में वैसे मैं निकल गया था, रात में ही निकले थे तो उसके बाद बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गए, वरना तो सुबह सुबह पहुंच जाते हम। अब इस टाइम जो है 11-12 बज रहे हैं। अब यहाँ से मंदिर की तरफ जाएंगे, मंदिर देखेंगे और दर्शन कराएंगे, मंदिर किस हिसाब का है और कैसा है, क्या है, मंदिर के आसपास की भी चीज़ें होंगी वो भी दिखाएंगे। यहाँ से वैसे दिख भी रहा है थोड़ा, बद्रीनाथ टेम्पल जो है पास में ही है, थोड़ा सा दिख भी रहा है यहाँ से।
बारिश के मौसम की वजह से ही ना भूस्खलन होने से थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए, वरना कल मैं जो है कल सुबह ही पहुंच जाता बद्रीनाथ और देख के मैं जो है दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन बारिश की वजह से जो है भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया और रास्ता बंद होने की वजह से मैं यहाँ तक जल्दी पहुँच भी नहीं पाया। आज पहुँचा हूँ अभी भी, कभी कभी धूप निकल रही है, कभी जो है छाव जा रही है और ऊपर बादल भी है, ऐसा लग भी रहा है कि कुछ टाइम में बारिश होगी। कौन है ये गरम पानी का? हाँ है, देखियो बन गया होगा ना, तो होता है क्या करूँगा उसका। सामने की तरफ बद्रीनाथ मंदिर, ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर जो है अभी बंद है, मंदिर जो है 3 बजे के आसपास खुलेगा, अभी 1:30 बज रहे हैं, अभी 1.5 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। भी 2-3 घंटे तक मंदिर बंद रहता है वैसे तो, ये दोपहर के टाइम या तो फिर आरती वारती का टाइम होगा या तो कोई बात होगी या तो साफ़ सफाई करते होंगे इस वजह से बंद रखते होंगे।
मंदिर के आसपास भी जो है बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आप देखोगे सामने की तरफ पहाड़ मिल जाएंगे आपको, बीच में आपकी नंदा नदी है। और ऊपर आपका बद्रीनाथ टेंपल है। वहाँ पे भी तो नहीं चढ़ता केदारनाथ में, वो तो बस ले जाने की बात हो गई अपनी, टच करके दे दिया बस लेके। ये मंदिर के बाहर का परिसर है, लेकिन अभी गेट बंद है, 3 बजे के आसपास गेट खुलेगा। एक मिनट स्पीक कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ हाँ देख लो बद्रीनाथ मंदिर। वहाँ नीचे आपका नारद कुंड है, जो थोड़ा गर्म पानी है और उसमें लोग स्नान करके फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। वैसे जो है मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाया जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग प्रसाद भी देख रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं लेकिन चढ़ाया नहीं जाता, बस अंदर ले जाते हैं और वापसी हम प्रसाद को लेके चले जाते हैं घर की तरफ। बस वही है, प्रसाद दे दिया है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, बीच में ही है मंदिर जो है बीच में ही है। बद्रीनाथ महाराज की जय।